खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला पगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। मैंने ये 34 नंबर कटोरी ली है। हमारी फिटिंग का नाप रहेगा 34 इंच छाती और 28 इंच कमर। तो मैंने ये 34 इंच की कटोरी ले ली है। इस नाप के ब्लाउज की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारी बाजू है। इसमें मैं आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ब्लाउज की लंबाई लेनी है हमें 14 इंच। ये हमारी 14.5 तैयार है। तो इसमें हम यहाँ पे निशान ले लगाते हैं। इसके हम यहाँ से बेस सेंटर से इसको मोड़ लेंगे। ये हमें यहाँ से मिला लेना है। नेक बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आर्म होल का निशान हमें 6.5 पे लेना है और ये 34 इंच छाती के लिए हमें 8.5 इंच पे निशान लगाना है, ये सिलाई के लिए। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारा 34 इंच का निशान हो गया है। 34 इंच में से जैसे चौथा हिस्सा ले लिया हमने 8.5, यहाँ पे हमारा सिलाई का निशान होगा और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई ले लेनी है। यहाँ पे हमें प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट का निशान हमारा 9.5 इंच पे आएगा। तो यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन रख करके 9.5 पर के यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 4.25 इंच लेना है। ये हमारा यहाँ पे अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। नेक कटिंग में हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख लेना है सिलाई के लिए। ये पूरा नहीं काटना है हमें। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से बीच के हिस्से से मोड़ लेना है। अब हम इस पे फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से। ये निशान हमें यहाँ से बराबर लगाना है। यहाँ से हमें नेक का थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और यहाँ पे निशान लगाना है कटिंग का। आर्म होल का निशान हमें यहाँ से 1/2 इंच पीछे की तरफ लगाना है।
और यहाँ जो सिलाई के लिए हमने निशान लगाया है, इस निशान में इस निशान को मिला देना है और ये हमारा निशान सेम रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से हमें बाजू को भी मोड़ लेना है, बीच के हिस्से से। बाजू की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। तो ये हमारी 5 इंच पूरी तैयार है यहाँ तक। और बाजू का मुंह हमें 10.5 इंच पे रखना है। तो ये हमारा 10.5 यहाँ पे होता है। इससे हम मोड़ने के लिए इतना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग का निशान है और ये हमारा 2 इंच मार्जिन। ये हमें 5 इंच की बाजू रखनी है, तो हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है 5 पे, और यहाँ पे भी हमें 5 पे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ गोलाई देनी है। तो ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह की शेप देनी है हमें। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये साइड हमारा कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। ये यहाँ पे हमें जोड़ लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो गई है। इसी बाजू को रख करके हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। अब हम इस बाजू को इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर। ये हमारे दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। इसमें यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे और ये हमें यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है बाजू की इस तरह से। ये हमारे 2 हिस्से उठा करके कटिंग करनी है। ध्यान रहे इस साइड का ना कट जाए इस तरह से। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो इसका अस्तर हम इसी को रख करके कटिंग कर लेंगे। अलग अलग पार्ट रख करके अलग अलग कटिंग कर लेंगे अस्तर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी
दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी।